हे गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सब लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, मतलब दीदी भी आई हुई है मेरी नंद, 5 बजे हम सब लोग 4 बजे उठ गए थे और नहा धो के सभी लोग रेडी हो गए थे। बाबू का अनुप्राशन है इसलिए बन रहे हैं यहाँ पे सूखे आलू। एक तरफ मैं सूखे आलू बना रही हूँ, दूसरी तरफ मम्मी कर रही है खीर की तैयारी और मैं फटाफट लगा दूँगी आटा। यहाँ पर बाबू कर रहा है आराम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोते हैं तो यहाँ पर झूले में ही आराम से लेटे रहते हैं। तो ये है दीदी की बीच वाली, मतलब दूसरे नंबर की बेटी, तीसरे नंबर की। और यहाँ पे पूड़ियों की तैयारी चल रही है। गैस हमने बाहर रख दी थी क्योंकि ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बाहर रख दी थी। यहाँ पे एक तरफ खीर भी मेरी रेडी हो गई, दूसरी तरफ यहाँ पूड़ियों की चल रही है तैयारी। और बस ड्राई फ्रूट्स डालना बचा था, तो मम्मी से मैंने कहा फटाफट डाल दो क्योंकि खीर तो बनी गई थी। और बस बाबू आज खाएगी खीर पूड़ी। और फैमिली में हमारे जितने भी मेंबर हैं सभी लोग जाएंगे, और पड़ोस में भी कुछ लोग हैं जिनसे मतलब कहा है हम लोगों ने, वो लोग भी जाएंगे। और वहीं पे हम लोग खीर पूड़ी और आलू सब्ज़ी वगैरह ये सब वहीं खाएंगे। हम सबको व्रत भी है, जितने भी घर में मेंबर है, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरी ननद जो अनप्राशन बाबू को खीर पूड़ी खिलाएंगी ना दीदी, तो उनका भी व्रत है। इसलिए हम 3-4 लोगों का व्रत है। तो चाय नाश्ता तो कुछ किया नहीं, बस बच्चों के लिए चाय बना दी थी, नाश्ता कर दिया था उन लोगों ने। तो यहाँ पर खीर देखो कितनी यमी टेस्टी सी लग रही है देखने में। क्या देख रही हो? ये है बाबू, दीदी की बड़ी वाली बेटी। और बाबू भी नहा ली थी बहुत जल्दी, 4 बजे उनकी मालिश हो गई ना आराम से, वो रेडी होके मम्मी ने लिटा दिया था उनको। यहाँ मेरी छोटी वाली सिस्टर आ गई थी, चलना था जिनको, और इनको भी जल्दी बुला लिया था, मतलब इसलिए बुलाया था कि थोड़ा सा हेल्प वगैरह हो जाएगी। बट इनका आने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारा ऑलरेडी काम हो चुका था सारा ही, सारा काम हो गया था क्योंकि पूड़ी भी बन रही थी आधी, मतलब बन ही चुकी थी समझो, खीर भी बन गई थी, आलू भी बन गए थे। तो बस इन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी। तो बस अभी हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर निकलेंगे मंदिर के लिए। और पास में ही मंदिर है, यहाँ प्रसाद भी आ गया था, टमाटर आलू भी रेडी हो गए हमारे। बाबू देखो रेडी हो गई, उसके पापा ने उसको कर दिया है रेडी। बट हमको कुछ ये ड्रेस में ना कुछ थोड़ा सा लग रहा था कि ये गर्मी तो नहीं लगेगी इसको, तो इस चक्कर में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था हमको। बट थोड़ी देर तो आराम से लेटी थी, थोड़ी देर के बाद ना बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया इस ड्रेस में। फिर जो दीदी ड्रेस लेके आई थी वो हमने बनाई थी। यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई हूँ, फैमिली में भी सब लोग आ चुके थे, महावर वगैरह लगा रहे थे। यहाँ पे सब कुछ जो भी ले जाना था हमको मंदिर, वो सब कुछ हमने यहाँ पे रख दिया था, जिससे कि हम कुछ भी भूल ना जाएं, क्योंकि पास में नहीं है तो इतना दूर भी, दूर नहीं है इतना, तो इतना पास भी नहीं कि मतलब पैदल आ सकें। तो फिर इसलिए सब कुछ रख दिया था यहाँ पे। मेरी जेठानी, तैया, सास, मतलब सब लोग फैमिली में आ गए थे, महावर वगैरह लगा के कुछ लोग बैठ गए थे, कुछ लोग लगा रहे थे। ये है मेरी बड़ी ताई सासू माँ, और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत मजाक करती है हम सब लोगों से, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मजाक करती है। कोई भी हमारे यहाँ काम होता है ना घर में, सच में इनके बिना तो कुछ लगता ही नहीं कि घर में कुछ है, मतलब जब तक ये नहीं आती है। तो बाबू ने फाइनली दूसरी ड्रेस पहन ली है, चेंज कर ली थी, दीदी लेकर आई थी उनकी बुआ, तो उन्होंने वो अपनी वाली ड्रेस बना दी थी। तो बस बाबू भी रेडी हो गई और बाकी सब लोग चलने के रेडी हो गए, कुछ लोग नीचे भी चले गए। और गर्मी इतनी थी सच्ची में, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो कुछ लोग चले गए और कुछ लोग मंदिर में ही वहीं पे आ जाएंगे, वहीं पे मंदिर में मिल जाएंगे। और दो गाड़ियाँ जा रही थी, दो गाड़ियों में सभी लोग भर गए थे फाइनली। तो ये देखो सब लोग आ गए नीचे, अभी हम सब लोग निकलेंगे, गाड़ियों में। और बस बाहर आ गए हैं, ये देखो कान्हा को कितना देख देख के मुझे खुश हो रहा था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग गाड़ी में बैठेंगे फिर निकलेंगे मंदिर के लिए।
सही बनाए आते हम। अगर बुलाती ना तब हम का अभी भूल रही हूँ। कुड़ी मिलती रही तब रोकती ना है। तुम्हारे मौसा कितने गोरे हो गए, तुम्हारी लड़की कितनी सुंदर है। नजर मारूंगा, देखो मैं नजर मारी दाना निकल आया। ये वक्त भैया आटा थोड़ा सा इधर आ जा। नहीं ले ले चला। बहुत बढ़िया लगा है। जा पिला जा तुम अभी। ए विनायक आओ ना खुशबू।
बड़े बूढ़े ना। अरे जी क्या होता है, जाओ हम बैठे जाओ, तुम लोग बैठे ना, तुम लोग अरे मम्मी इनसे तो भैया चप्पल मत डालो ना। अभी दे लल्लू को चलना इधर से। जलेबी तो सुबह सुबह जाना है तुम तब। मम्मी कोई बात नहीं दिखाओ इधर। चावल भी ना जाए मामा घी वही बोला उला कढ़ाई पनीर खाई थे दूध ना पी गई। अच्छा हम खीरा दे दीपी चावल लगो इसके पता भी तो चले खिलाया है।
भी खा लो चटनी खाओ चटनी बना रहा है। बीपी लेना सोना हटो सोना हटो हटो मोना शॉट भी बना रहा है शॉट मार ली सही ले 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 राज नहीं ले पहले चावल ये हां पहले दूध पी ले अभी तुम्हें भी खिलाएंगे तुम जे ले ले पूरी सिद्धी ले चटाई दे तो तीन लोग हुई गए सिद्धी जा ओए आ ना चना चलती है रानी का
बना रही भैया, अब निकल रहे हैं। ऐसा ही से मूड करो है। तो सही सही खड़ी है, नहीं सही खड़ी, सही खड़ी हो बनना सकती है। गंडकी नदी पुल पर चलना है, अरे भैया बड़ा डला है, मुंह सामने तो दो कपड़ा ना, और नंदू वीडियो बनाई थी। नहीं नहीं ऐसे कौन करता नहीं, इधर देखो बुआ कहां, देखो टाटा कर दो, टाटा टाटा ये मेरे गई, चलो अब चल आए, फोन कर ले, कर लियो, तुम्हारा जो नंबर ना लग रहा इधर मुड़ बदल ले, ले 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 चलो तुम बात कर, बात होता नहीं हमारे पास। मम्मी के पास भी ना जाए, दीदी के पास ना आएगा, रुक के रोई के आएगा मेरे पास, अच्छी लग रही है। ठीक।